हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। प्यार और बास्केटबॉल, लव एंड बास्केटबॉल, एक 2000 अमेरिकी रोमांटिक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है, जिसे जीना प्रेस बाइटवुड द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। उनकी फीचर फिल्म निर्देशन में पहली फिल्म का निर्माण स्पाइक ली और सैम किट द्वारा किया गया है, और इनमें सना लाथन और उमर एप्स हैं। यह क्विंसी मिकलन और मोनिका राइट्स की कहानी बताती है, जो लॉस एंजेल्स कैलिफोर्निया में 2 पड़ोसी अतः एक दूसरे के लिए गिरने से पहले अपने संबंधित बास्केटबॉल कैरियर का पीछा कर रहे हैं। प्यार और बास्केटबॉल, निर्देशक जीना प्रेस व्हाइटवुड द्वारा लिखित, जीना प्रेस व्हाइटवुड द्वारा निर्मित स्पाइक ली, सेम कित्तो, अभिनीत उमर एप्स, सना लाथिन, एल्फ्रेड वुडावर्ड, डेनिस हेस्बर्ट, छायांकन रेनाल्डो विला लोबोस द्वारा संपादित टेरी लीन ए, संगीत दिया है टेरेस ब्लैचर्ड, प्रोडक्शन कंपनी 40 एकड़ और एक खच्चर द्वारा वितरित न्यू लाइट सिनेमा, रिलीज की तारीख 21 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट एस 14 से 20 मिलियन, बॉक्स ऑफिस एस 27.7 मिलियन। लव एंड बास्केटबॉल को संयुक्त राज्य अमेरिका में 21 अप्रैल 2000 को रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें प्रदर्शनों प्रिंस व्हाइटवुड के निर्देशन और पटकथा और फिल्म के भावनात्मक वजनों पर निर्देशित प्रशंसा के साथ, फिर भी इसने एस 14 से 20 मिलियन के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में एस 27.7 मिलियन की कमाई की। इन वर्षों में फिल्म ने एक संप्रदित निम्नलिखित विकसित किया, लोकप्रिय संस्कृति में अपनी जगह को मजबूत किया और खुद को एक पंथ क्लासिक रूप के रूप में स्थापित किया। मोनिका राइट्स और क्विंस मिकल बचपन से ही पेशेवर बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते थे। हालांकि एक लकड़ी के रूप में मोनिका
को खुद को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि एक लड़के के रूप में खुशी की प्रकृति स्टार क्षमता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। चूँकि दोनों पेशेवर रूप से खेलने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं से भी निपटना होगा। दोनों 1981 में बचपन के दोस्त बन गए, जबकि मोनिका का परिवार अल्टाला में लॉस एंजिल चला गया। कृषि के बगल में के घर में रहने लगा। कृषि के लिए पिता जे के लॉस एंजिल पिकर के लिए स्टार शूट गार्ड है। बास्केटबॉल के प्यार को साझा करते हुए कृषि और मोनिका तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। कृषि हैरान है कि एक लड़की का बीवी बास्केटबॉल से उतना प्यार कर सकती है जितना उसने किया था, और वह और भी अधिक चौंक गया जब मोनिका ने उसे एक के बाद एक अपने पहले खेल के दौरान हराया। वह गुस्से में उसे खेल बिंदु के दौरान नीचे गिरा देता है और गलती से उसका चेहरा काट देते हैं। उसकी माँ हस्से पड़ती है और जल्द ही कृषि और मोनिका ने समझौता कर लिया। मोनिका किसी अन्य व्यक्ति में कृषि की कल्पना से अधिक कठिन साबित होती है और उसे अपनी प्रेमिका बनाने के लिए कहते हुए उसके करीब आती है। मोनिका स्वीकार करती है और वे अपना पहला चुंबन साझा करते हैं, लेकिन यह बहुत समय पहले नहीं है जब वे एक दूसरे का अपमान करते हैं और घास पर लड़ रहे हैं। मोनिका स्पष्ट रूप से जीत रही है। कहानी की दूसरी तिमाही 1988 में शुरू होती है, जब मोनिका और कैसे दोनों ग्रेसा हाई स्कूल के संबंधित नेता है। पुरुष और महिलाओं की टीमें स्टार ने तुम्हें का स्पेशल नोटिस लिया, जिन्हें कई देश में शीर्ष संभावनाओं में से एक के रूप में देखते हैं। वह अन्य छात्रों के साथ बेहद लोकप्रिय है। स्कूल में कोई भी लड़की हो तो गाइस ये वीडियो ऐसे होते तो है। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। प्यार और बास्केटबॉल, लव एंड बास्केटबॉल, एक 2000 अमेरिकी रोमांटिक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है, जिसे जीना प्रिस बाइटवुड द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। उनकी फीचर फिल्म निर्देशन में पहली फिल्म का निर्माण स्पाइक ली और सैम किट द्वारा किया गया है, और इनमें सना लाथन और उमर एप्स है। यह क्विंसी मिकलन और मोनिका राइट्स की कहानी बताती है, जो लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में दो पड़ोसी अतिथि एक दूसरे के लिए गिरने से पहले अपने संबंधित बास्केटबॉल कैरियर का पीछा कर रहे हैं। प्यार और बास्केटबॉल, निर्देशक जीना प्रिस व्हाइटवुड द्वारा लिखित, जीना प्रिस व्हाइटवुड द्वारा निर्मित स्पाइक ली, सेम कित्तो, अभिनीत उमर एप्स, सना लाथिन, एल्फ्रेड वुडावर्ड, डेनिस हेस्बर्ट,
छायांकन रेनाल्डो विला लोबोस द्वारा संपादित टेरिलिन ए। संगीत दिया है टेरेस ब्लैचर्ड। प्रोडक्शन कंपनी 40 एकड़ और एक खच्चर द्वारा वितरित न्यू लाइट सिनेमा। रिलीज की तारीख 21 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट एस 14 से 20 मिलियन। बॉक्स ऑफिस एस 27.7 मिलियन। लव एंड बास्केटबॉल को संयुक्त राज्य अमेरिका में 21 अप्रैल 2000 को रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें प्रदर्शनों प्रिंस वाइटवुड के निर्देशन और पटकथा और फिल्म के भावनात्मक वजनों पर निर्देशित प्रशंसा के साथ, फिर भी इसने एस 14 से 20 मिलियन के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में एस 27.7 मिलियन की कमाई की। इन वर्षों में फिल्म ने एक संप्रदित निम्नलिखित विकसित किया, लोकप्रिय संस्कृति में अपनी जगह को मजबूत किया और खुद को एक पंथ क्लासिक रूप के रूप में स्थापित किया। मोनिका राइट्स और क्वानिस मिकल बचपन से ही पेशेवर बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते थे। हालांकि एक लकड़ी के रूप में मोनिका को खुद को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि एक लड़के के रूप में कुशी की प्रकृति स्टार क्षमता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। चूंकि दोनों पेशेवर रूप से खेलने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं से भी निपटना होगा। दोनों 1981 में बचपन के दोस्त बन गए, जबकि मोनिका का परिवार अल्टाला में लॉस एंजिल्स चला गया। क्विसी के बगल में के घर में रहने लगा। क्विसी के लिए पिता जेके लॉस एंजिल्स पिकर के लिए स्टार शूट गार्ड है। बास्केटबॉल के प्यार को साझा करते हुए क्विसी और मोनिका तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। क्विस हैरान है कि एक लड़की का बीबी बास्केटबॉल से उतना प्यार कर सकती है जितना उसने किया था, और वह और भी अधिक चौंक गया जब मोनिका ने उसे एक के बाद एक अपने पहले खेल के दौरान हराया। वह गुस्से में उसे खेल बिंदु के दौरान नीचे गिरा देता है और गलती से उसका चेहरा काट देते हैं। उसकी माँ हंसी करती है और जल्द ही क्विसी और मोनिका ने समझौता कर लिया। मोनिका किसी अन्य व्यक्ति में क्विसी की कल्पना से अधिक कठिन साबित होती है और उसे अपनी प्रेमिका बनाने के लिए कहते हुए उसके करीब आती है। मोनिका स्वीकार करती है और वे अपना पहला चुंबन साझा करते हैं, लेकिन यह बहुत समय पहले नहीं है जब वे एक दूसरे का अपमान करते हैं और घास पर लड़ रहे हैं। मोनिका स्पष्ट रूप से जीत रही है। कहानी की दूसरी तिमाही 1988 में शुरू होती है, जब मोनिका और क्विसी दोनों ग्रेसा हाई स्कूल के सम्मिलित नेता है। पुरुष और महिलाओं की टीम में स्टार नेत में से का स्पेशल नोटिस लिया, जिन्हें कई देश में शीर्ष संभावनाओं में से एक के रूप में देखते हैं। वह अन्य छात्रों के साथ बेहद लोकप्रिय है। स्कूल में कोई भी लड़की हो
तो गाइस ये वीडियो इसी में तो है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। प्यार और बास्केटबॉल, लव एंड बास्केटबॉल, एक 2000 अमेरिकी रोमांटिक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसे जीना प्रेस बाइटवुड द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। उनकी फीचर फिल्म निर्देशन में पहली फिल्म का निर्माण स्पाइक ली और सैम किट द्वारा किया गया है और इनमें सना लाथन और उमर एप्स है। यह क्विंसी मिकलन और मोनिका राइट्स की कहानी बताती है जो लॉस एंजेल्स कैलिफोर्निया में दो पड़ोसी अतर्क एक दूसरे के लिए गिरने से पहले अपने संबंधित बास्केटबॉल कैरियर का पीछा कर रहे हैं। प्यार और बास्केटबॉल, निर्देशक जीना प्रेस व्हाइटवुड द्वारा लिखित, जीना प्रेस व्हाइटवुड द्वारा निर्मित, स्पाइक ली, सेम कित्तो, अभिनीत उमर एप्स, सना लाथिन, एल्फ्रेड वुडावर्ड, डेनिस हेस्बर्ट, छायांकन रेनाल्डो विला लोबोस द्वारा संपादित, टेरिलिन ए, संगीत दिया है टेरेस ब्लैचर्ड, प्रोडक्शन कंपनी 40 एकड़ और एक खच्चर द्वारा वितरित, न्यू लाइट सिनेमा, रिलीज की तारीख 21 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट एस 14 से 20 मिलियन, बॉक्स ऑफिस एस 27.7 मिलियन। लव एंड बास्केटबॉल को संयुक्त राज्य अमेरिका में 21 अप्रैल 2000 को रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें प्रदर्शनों प्रिंस व्हाइटवुड के निर्देशन और पटकथा और फिल्म के भावनात्मक वजनों पर निर्देशित प्रशंसा के साथ फिर भी इसने एस 14 से 20 मिलियन के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में एस 27.7 मिलियन की कमाई की। इन वर्षों में फिल्म ने एक संप्रदित निम्नलिखित विकसित किया, लोकप्रिय संस्कृति में अपनी जगह को मजबूत किया और खुद को एक पंथ क्लासिक रूप के रूप में स्थापित किया। मोनिका राइट्स और क्विंस मिकल बचपन से ही पेशेवर बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते थे। हालांकि एक लकड़ी के रूप में मोनिका को खुद को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि एक लड़के के रूप में कुर्सी की प्रकृति स्टार क्षमता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। चूंकि दोनों पेशेवर रूप से खेलने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं से भी निपटना होगा। दोनों 1981 में बचपन के दोस्त बन गए, जबकि मोनिका का परिवार अल्टाला में लॉस एंजेल्स चला गया। क्विसी के बगल में के घर में रहने लगा। क्विसी के लिए पिता जे के लॉस एंजेल्स
स्पीकर के लिए स्टार सूट गार्ड है। बास्केटबॉल के प्यार को साझा करते हुए क्रिस और मोनिका तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। क्रिस हैरान है कि एक लड़की का बीबी बास्केटबॉल से उतना प्यार कर सकती है जितना उसने किया था, और वह और भी अधिक चौंक गया जब मोनिका ने उसे एक के बाद एक अपने पहले खेल के दौरान हराया। वह गुस्से में उसे खेल बिंदु के दौरान नीचे गिरा देता है और गलती से उसका चेहरा काट देते हैं। उसकी माँ हस्तक्षेप करती है और जल्द ही क्रिसी और मोनिका ने समझौता कर लिया। मोनिका किसी अन्य व्यक्ति में क्रिसी की कल्पना से अधिक कठिन साबित होती है और उसे अपनी प्रेमिका बनाने के लिए कहते हुए उसके करीब आती है। मोनिका स्वीकार करती है और वे अपना पहला चुंबन साझा करते हैं, लेकिन यह बहुत समय पहले नहीं है जब वे एक दूसरे का अपमान करते हैं और घास पर लड़ रहे हैं। मोनिका स्पष्ट रूप से जीत रही है। कहानी की दूसरी तिमाही 1988 में शुरू होती है जब मोनिका और क्रिसी दोनों क्रेसा हाई स्कूल के सम्मिलित नेता हैं। पुरुष और महिलाओं की टीमें स्टार ने क्रिसी का स्पेशल नोटिस लिया, जिन्हें कई देश में शीर्ष संभावनाओं में से एक के रूप में देखते हैं। वह अन्य छात्रों के साथ बेहद लोकप्रिय है। स्कूल में कोई भी लड़की हो तो गाइस ये वीडियो इस वक्त तो है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। प्यार और बास्केटबॉल, लव एंड बास्केटबॉल, एक 2000 अमेरिकी रोमांटिक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसे जीना प्रेस बाइटवुड द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। उनकी फीचर फिल्म निर्देशन में पहली फिल्म का निर्माण स्पाइक ली और सैम किट द्वारा किया गया है, और इनमें सना लाथन और उमर एप्स है। यह क्विंसी मिकलन और मोनिका राइट्स की कहानी बताती है जो लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में दो पड़ोसी अतर्थ एक दूसरे के लिए गिरने से पहले अपने संबंधित बास्केटबॉल कैरियर का पीछा कर रहे हैं। प्यार और बास्केटबॉल, निर्देशक जीना प्रेस व्हाइटवुड द्वारा लिखित, जीना प्रेस व्हाइटवुड द्वारा निर्मित स्पाइक ली, सेम कित्तो, अभिनीत उमर एप्स, सना लाथीन, एल्फ्रेड वुडावर्ड, डेनिस हेसबर्ट, छायांकन रेनाल्डो विला लोबोस द्वारा संपादित टेरिलिन ए, संगीत दिया है टेरेस ब्लैचर्ड, प्रोडक्शन कंपनी 40 एकड़ और एक खच्चर द्वारा वितरित न्यू लाइट सिनेमा, रिलीज की तारीख 21 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट एस 14 से 20 मिलियन, बॉक्स ऑफिस एस 27.7 मिलियन। लव एंड बास्केटबॉल को संयुक्त राज्य अमेरिका में 21 अप्रैल 2000 को रिलीज किया गया था।
इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें प्रदर्शनों प्रिंस वाइटवुड के निर्देशन और पटकथा और फिल्म के भावनात्मक वजनों पर निर्देशित प्रशंसा के साथ फिर भी इसने एस 14 से 20 मिलियन के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में एस 27.7 मिलियन की कमाई की। इन वर्षों में फिल्म ने एक संप्रदित निम्नलिखित विकसित किया, लोकप्रिय संस्कृति में अपनी जगह को मजबूत किया और खुद को एक पंथ क्लासिक रूप के रूप में स्थापित किया। मोनिका राइट्स और क्विनिस मिकल बचपन से ही पेशेवर बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते थे। हालांकि एक लकड़ी के रूप में मोनिका को खुद को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि एक लड़के के रूप में कुर्सी की प्रकृति स्टार क्षमता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। चूँकि दोनों पेशेवर रूप से खेलने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं से भी निपटना होगा। दोनों 1981 में बचपन के दोस्त बन गए, जबकि मोनिका का परिवार अल्टाला में लॉस एंजेल्स चला गया। क्विसी के बगल में के घर में रहने लगा। क्विसी के लिए पिता जेके लॉस एंजेल्स पिकर के लिए स्टार शूट गार्ड है। बास्केटबॉल के प्यार को साझा करते हुए क्विसी और मोनिका तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। क्विसी हैरान है कि एक लड़की कभी भी बास्केटबॉल से उतना प्यार कर सकती है जितना उसने किया था, और वह और भी अधिक चौंक गया जब मोनिका ने उसे एक के बाद एक अपने पहले खेल के दौरान हराया। वह गुस्से में उसे खेल बिंदु के दौरान नीचे गिरा देता है और गलती से उसका चेहरा काट देते हैं। उसकी माँ हस्तक्षेप करती है और जल्द ही क्विसी और मोनिका ने समझौता कर लिया। मोनिका किसी अन्य व्यक्ति में क्विसी की कल्पना से अधिक कठिन साबित होती है और उसे अपनी प्रेमिका बनाने के लिए कहते हुए उसके करीब आती है। मोनिका स्वीकार करती है और वे अपना पहला चुम्बन साझा करते हैं, लेकिन यह बहुत समय पहले नहीं है जब वे एक दूसरे का अपमान करते हैं और घास पर लड़ रहे हैं। मोनिका स्पष्ट रूप से जीत रही है। कहानी की दूसरी तिमाही 1988 में शुरू होती है, जब मोनिका और क्विसी दोनों ग्रेसा हाई स्कूल के सम्मिलित नेता है। पुरुष और महिलाओं की टीम में स्टार ने क्विसी का स्पष्ट नोटिस लिया, जिन्हें कई देश में शीर्ष संभावनाओं में से एक के रूप में देखते हैं। वह अन्य छात्रों के साथ बेहद लोकप्रिय है। स्कूल में कोई भी लड़की हो तो गाइस यह वीडियो अच्छी लगती है तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। प्यार और बास्केटबॉल, लव एंड बास्केटबॉल, एक 2000 अमेरिकी रोमांटिक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है, जिसे जीना प्रिंस वाइटवुड द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। उनकी फीचर फिल्म निर्देशन में पहली फिल्म का निर्माण स्पाइक ली और सैम किट द्वारा
किया गया है और इनमें सना, लाथन और उमर एप्स हैं। यह क्विंसी मिकलन और मोनिका राइट्स की कहानी बताती है, जो लॉस एंजेल्स कैलिफोर्निया में दो पड़ोसी अतर्थ एक दूसरे के लिए गिरने से पहले अपने संबंधित बास्केटबॉल कैरियर का पीछा कर रहे हैं। प्यार और बास्केटबॉल, निर्देशक जीना प्रेस व्हाइटवुड द्वारा लिखित जीना प्रेस व्हाइटवुड द्वारा निर्मित स्पाइक ली, सेम कित्तो, अभिनीत उमर एप्स, सना लाथिन, एल्फ्रेड वुडावर्ड, डेनिस हेस्बर्ट, छायांकन रेनाल्डो विला लोबोस द्वारा संपादित टेरिलीन ए, संगीत दिया है टेरेस ब्लैचर्ड, प्रोडक्शन कंपनी 40 एकड़ और एक खच्चर द्वारा वितरित न्यू लाइट सिनेमा, रिलीज की तारीख 21 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट एस 14 से 20 मिलियन, बॉक्स ऑफिस एस 27.7 मिलियन। लव एंड बास्केटबॉल को संयुक्त राज्य अमेरिका में 21 अप्रैल 2000 को रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें प्रदर्शनों प्रिंस व्हाइटवुड के निर्देशन और पटकथा और फिल्म के भावनात्मक वजनों पर निर्देशित प्रशंसा के साथ, फिर भी इसने एस 14 से 20 मिलियन के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में एस 27.7 मिलियन की कमाई की। इन वर्षों में फिल्म ने एक संप्रदित निम्नलिखित विकसित किया, लोकप्रिय संस्कृति में अपनी जगह को मजबूत किया और खुद को एक पंथ क्लासिक रूप के रूप में स्थापित किया। मोनिका राइट्स और क्विंस मिकल बचपन से ही पेशेवर बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते थे। हालांकि एक लकड़ी के रूप में मोनिका को खुद को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि एक लड़के के रूप में कुर्सी की प्रकृति स्टार क्षमता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। चूंकि दोनों पेशेवर रूप से खेलने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं से भी निपटना होगा। दोनों 1981 में बचपन के दोस्त बन गए, जबकि मोनिका का परिवार अल्टाला में लॉस एंजेल्स चला गया, क्विंसी के बगल में के घर में रहने लगा। क्विंसी के लिए पिता जेके लॉस एंजेल्स पिकर के लिए स्टार शूट गार्ड है। बास्केटबॉल के प्यार को साझा करते हुए क्विंसी और मोनिका तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। क्विंस हैरान है कि एक लड़की कभी भी बास्केटबॉल से उतना प्यार कर सकती है जितना उसने किया था, और वह और भी अधिक चौंक गया जब मोनिका ने उसे एक के बाद एक अपने पहले खेल के दौरान हराया। वह गुस्से में उसे खेल बिंदु के दौरान नीचे गिरा देता है और गलती से उसका चेहरा काट देते हैं। उसकी माँ हंसी करती है और जल्द ही क्विंसी और मोनिका ने समझौता कर लिया।
मोनिका किसी अन्य व्यक्ति में किसी की कल्पना से अधिक कठिन साबित होती है और उसे अपनी प्रेमिका बनाने के लिए कहते हुए उसके करीब आती है। मोनिका स्वीकार करती है और वे अपना पहला चुंबन साझा करते हैं, लेकिन यह बहुत समय पहले नहीं है जब वे एक दूसरे का अपमान करते हैं और घास पर लड़ रहे हैं। मोनिका स्पष्ट रूप से जीत रही है। कहानी की दूसरी तिमाही 1988 में शुरू होती है जब मोनिका और क्वेंसी दोनों ग्रेसा हाई स्कूल के सम्मानित नेता है। पुरुष और महिलाओं की टीमें स्टार ने क्वेंसी का स्पेशल नोटिस लिया, जिन्हें कई देश में शीर्ष संभावनाओं में से एक के रूप में देखते हैं। वह अन्य छात्रों के साथ बेहद लोकप्रिय है। स्कूल में कोई भी लड़की हो तो गाइस ये वीडियो इस वक्त होते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। प्यार और बास्केटबॉल, लव एंड बास्केटबॉल, एक 2000 अमेरिकी रोमांटिक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसे जीना प्रेस बाइटवुड द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। उनकी फीचर फिल्म निर्देशन में पहली फिल्म का निर्माण स्पाइक ली और सैम किट द्वारा किया गया है और इनमें सना लाथन और उमर एप्स है। यह क्विंसी मिकलन और मोनिका राइट्स की कहानी बताती है जो लॉस एंजेल्स कैलिफोर्निया में दो पड़ोसी अतिथि एक दूसरे के लिए गिरने से पहले अपने संबंधित बास्केटबॉल कैरियर का पीछा कर रहे हैं। प्यार और बास्केटबॉल, निर्देशक जीना प्रेस व्हाइटवुड द्वारा लिखित, जीना प्रेस व्हाइटवुड द्वारा निर्मित स्पाइक ली, सेम कित्तो, अभिनीत उमर एप्स, सना लाथिन, एल्फ्रेड वुडावर्ड, डेनिस हेसबर्ट, छायांकन रेनाल्डो विला लोबोस द्वारा संपादित टेरी लीन ए, संगीत दिया है टेरेस ब्लैचर्ड, प्रोडक्शन कंपनी 40 एकड़ और एक खच्चर द्वारा वितरित न्यू लाइट सिनेमा, रिलीज की तारीख 21 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट एस 14 से 20 मिलियन, बॉक्स ऑफिस एस 27.7 मिलियन। लव एंड बास्केटबॉल को संयुक्त राज्य अमेरिका में 21 अप्रैल 2000 को रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें प्रदर्शनों प्रिंस व्हाइटवुड के निर्देशन और पटकथा और फिल्म के भावनात्मक वजनों पर निर्देशित प्रशंसा के साथ फिर भी इसने एस 14 से 20 मिलियन के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में एस 27.7 मिलियन की कमाई की। इन वर्षों में फिल्म ने एक संप्रदित निम्नलिखित विकसित किया, लोकप्रिय संस्कृति में अपनी जगह को मजबूत किया और खुद को एक पंथ क्लासिक रूप के रूप में स्थापित किया।
मोनिका राइट्स और क्विनिस मिकल बचपन से ही पेशेवर बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते थे। हालांकि एक लकड़ी के रूप में मोनिका को खुद को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि एक लड़के के रूप में कुर्सी की प्रकृति स्टार क्षमता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। चूँकि दोनों पेशेवर रूप से खेलने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं से भी निपटना होगा। दोनों 1981 में बचपन के दोस्त बन गए, जबकि मोनिका का परिवार अल्टाला में लॉस एंजिल चला गया। कृषि के बगल में के घर में रहने लगा। कृषि के लिए पिता जे के लॉस एंजिल विकर के लिए स्टार शूट गार्ड है। बास्केटबॉल के प्यार को साझा करते हुए कृषि और मोनिका तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। क्रिस हैरान है कि एक लड़की का बीबी बास्केटबॉल से उतना प्यार कर सकती है जितना उसने किया था, और वह और भी अधिक चौंक गया जब मोनिका ने उसे एक के बाद एक अपने पहले खेल के दौरान हराया। वह गुस्से में उसे खेल बिंदु के दौरान नीचे गिरा देता है और गलती से उसका चेहरा काट देते हैं। उसकी माँ हस्तक्षेप करती है और जल्द ही कृषि और मोनिका ने समझौता कर लिया। मोनिका किसी अन्य व्यक्ति में कृषि की कल्पना से अधिक कठिन साबित होती है और उसे अपनी प्रेमिका बनाने के लिए कहते हुए उसके करीब आती है। मोनिका स्वीकार करती है और वे अपना पहला चुंबन साझा करते हैं, लेकिन यह बहुत समय पहले नहीं है जब वे एक दूसरे का अपमान करते हैं और घास पर लड़ रहे हैं। मोनिका स्पष्ट रूप से जीत रही है। कहानी की दूसरी तिमाही 1988 में शुरू होती है, जब मोनिका और क्वेंसी दोनों ग्रेसा हाई स्कूल के सम्मिलित नेता है। पुरुष और महिलाओं की टीमें स्टार ने तुमसे का स्पेशल नोटिस लिया, जिन्हें कई देश में शीर्ष संभावनाओं में से एक के रूप में देखते हैं। वह अन्य छात्रों के साथ बेहद लोकप्रिय है। स्कूल में कोई भी लड़की हो तो गाइस, यह वीडियो ऐसे होते तो है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। प्यार और बास्केटबॉल, लव एंड बास्केटबॉल, एक 2000 अमेरिकी रोमांटिक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है, जिसे जीना प्रेस बाइटवुड द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। उनकी फीचर फिल्म निर्देशन में पहली फिल्म का निर्माण स्पाइक ली और सैम किट द्वारा किया गया है, और इनमें सना लाथन और उमर एप्स है। यह क्विंसी मिकलन और मोनिका राइट्स की कहानी बताती है, जो लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में दो पड़ोसी अतर्थ एक दूसरे के लिए गिरने से पहले अपने संबंधित बास्केटबॉल कैरियर का पीछा कर रहे हैं। प्यार और बास्केटबॉल, निर्देशक जीना प्रेस वाइटवुड द्वारा लिखित, जीना प्रेस वाइटवुड द्वारा निर्मित, स्पाइक ली
सेम कित्तो अभिनीत उमर एप्स सना लाथीन एल्फ्रेड वुडावर्ड डेनिस हेस्बर्ट छायांकन रेनाल्डो विला लोबोस द्वारा संपादित टेरिलिन ए संगीत दिया है टेरेस ब्लैचर्ड प्रोडक्शन कंपनी 40 एकड़ और एक खच्चर द्वारा वितरित न्यू लाइट सिनेमा रिलीज की तारीख 21 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट एस 14 से 20 मिलियन बॉक्स ऑफिस एस 27.7 मिलियन लव एंड बास्केटबॉल को संयुक्त राज्य अमेरिका में 21 अप्रैल 2000 को रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें प्रदर्शनों प्रिंस वाइटवुड के निर्देशन और पटकथा और फिल्म के भावनात्मक वजनों पर निर्देशित प्रशंसा के साथ फिर भी इसने एस 14 से 20 मिलियन के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में एस 27.7 मिलियन की कमाई की। इन वर्षों में फिल्म ने एक संप्रदित निम्नलिखित विकसित किया लोकप्रिय संस्कृति में अपनी जगह को मजबूत किया और खुद को एक पंथ क्लासिक रूप के रूप में स्थापित किया। मोनिका राइट्स और क्वानिस मिकल बचपन से ही पेशेवर बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते थे। हालांकि एक लकड़ी के रूप में मोनिका को खुद को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि एक लड़के के रूप में कुसी की प्रकृति स्टार क्षमता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। चूंकि दोनों पेशेवर रूप से खेलने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं से भी निपटना होगा। दोनों 1981 में बचपन के दोस्त बन गए, जबकि मोनिका का परिवार अल्टाला में लॉस एंजिल्स चला गया। क्विसी के बगल में के घर में रहने लगा। क्विसी के लिए पिता जेके लॉस एंजिल्स पिकर के लिए स्टार शूट गार्ड है। बास्केटबॉल के प्यार को साझा करते हुए क्विसी और मोनिका तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। क्विस हैरान है कि एक लड़की का बीबी बास्केटबॉल से उतना प्यार कर सकती है जितना उसने किया था, और वह और भी अधिक चौंक गया जब मोनिका ने उसे एक के बाद एक अपने पहले खेल के दौरान हराया। वह गुस्से में उसे खेल बिंदु के दौरान नीचे गिरा देता है और गलती से उसका चेहरा काट देते हैं। उसकी माँ हस्से पड़ती है और जल्द ही क्विसी और मोनिका ने समझौता कर लिया। मोनिका किसी अन्य व्यक्ति में क्विसी की कल्पना से अधिक कठिन साबित होती है और उसे अपनी प्रेमिका बनाने के लिए कहते हुए उसके करीब आती है। मोनिका स्वीकार करती है और वे अपना पहला चुंबन साझा करते हैं, लेकिन यह बहुत समय पहले नहीं है जब वे एक दूसरे का अपमान करते हैं और घास पर लड़ रहे हैं। मोनिका स्पष्ट रूप से जीत रही है। कहानी की दूसरी तिमाही 1988 में शुरू होती है जब मोनिका और क्विसी दोनों ग्रेसा हाई स्कूल के सम्मिलित नेता है। पुरुष और महिलाओं की टीम में स्टार नेत्र में सिंह का स्पेशल नोटिस लिया
जिन्हें कई देश मिसी से संभावनाओं में से एक के रूप में देखते हैं। वह अन्य छात्रों के साथ बेहद लोकप्रिय है। स्कूल में कोई भी लड़की हो तो गाइस ये वीडियो इसी वक्त होते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। प्यार और बास्केटबॉल, लव एंड बास्केटबॉल, एक 2000 अमेरिकी रोमांटिक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसे जीना प्रेस बाइटवुड द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। उनकी फीचर फिल्म निर्देशन में पहली फिल्म का निर्माण स्पाइक ली और सैम किट द्वारा किया गया है और इनमें सना लाथन और उमर एप्स है। यह क्विंसी मिकलन और मोनिका राइट्स की कहानी बताती है जो लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में दो पड़ोसी अतिथि एक दूसरे के लिए गिरने से पहले अपने संबंधित बास्केटबॉल कैरियर का पीछा कर रहे हैं। प्यार और बास्केटबॉल, निर्देशक जीना प्रेस व्हाइटवुड द्वारा लिखित, जीना प्रेस व्हाइटवुड द्वारा निर्मित स्पाइक ली, सेम कित्तो, अभिनीत उमर एप्स, सना लाथिन, एल्फ्रेड वुडावर्ड, डेनिस हेस्बर्ट, छायांकन रेनाल्डो विला लोबोस द्वारा संपादित टेरिलिन ए, संगीत दिया है टेरेस ब्लैचर्ड, प्रोडक्शन कंपनी 40 एकड़ और एक खच्चर द्वारा वितरित न्यू लाइट सिनेमा, रिलीज की तारीख 21 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट एस 14 से 20 मिलियन, बॉक्स ऑफिस एस 27.7 मिलियन। लव एंड बास्केटबॉल को संयुक्त राज्य अमेरिका में 21 अप्रैल 2000 को रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें प्रदर्शनों प्रिंस व्हाइटवुड के निर्देशन और पटकथा और फिल्म के भावनात्मक वजनों पर निर्देशित प्रशंसा के साथ फिर भी इसने एस 14 से 20 मिलियन के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में एस 27.7 मिलियन की कमाई की। इन वर्षों में फिल्म ने एक संप्रदित निम्नलिखित विकसित किया, लोकप्रिय संस्कृति में अपनी जगह को मजबूत किया और खुद को एक पंथ क्लासिक रूप के रूप में स्थापित किया। मोनिका राइट्स और क्विंस मिकल बचपन से ही पेशेवर बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते थे। हालांकि एक लकड़ी के रूप में मोनिका को खुद को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि एक लड़के के रूप में कुर्सी की प्रकृति स्टार क्षमता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। चूँकि दोनों पेशेवर रूप से खेलने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं से भी निपटना होगा। दोनों 1981 में बचपन के दोस्त बन गए, जबकि मोनिका का परिवार
अल्टाला में लॉस एंजिल चला गया। कृषि के बगल में के घर में रहने लगा। कृषि के लिए पिता जे के लॉस एंजिल पिकर के लिए स्टार शूट गार्ड है। बास्केटबॉल के प्यार को साझा करते हुए कृषि और मोनिका तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। क्रिस हैरान है कि एक लड़की का बीबी बास्केटबॉल से उतना प्यार कर सकती है जितना उसने किया था, और वह और भी अधिक चौंक गया जब मोनिका ने उसे एक के बाद एक अपने पहले खेल के दौरान हराया। वह गुस्से में उसे खेल बिंदु के दौरान नीचे गिरा देता है और गलती से उसका चेहरा काट देते हैं। उसकी माँ हस्से पड़ती है और जल्द ही कृषि और मोनिका ने समझौता कर लिया। मोनिका किसी अन्य व्यक्ति में कृषि की कल्पना से अधिक कठिन साबित होती है और उसे अपनी प्रेमिका बनाने के लिए कहते हुए उसके करीब आती है। मोनिका स्वीकार करती है और वे अपना पहला चुंबन साझा करते हैं, लेकिन यह बहुत समय पहले नहीं है जब वे एक दूसरे का अपमान करते हैं और घास पर लड़ रहे हैं। मोनिका स्पष्ट रूप से जीत रही है। कहानी की दूसरी तिमाही 1988 में शुरू होती है जब मोनिका और क्रेसे दोनों क्रेसा हाई स्कूल के सम्मिलित नेता है। पुरुष और महिलाओं की टीमें स्टार ने क्रेसे का स्पष्ट नोटिस लिया, जिन्हें कई देश में शीर्ष संभावनाओं में से एक के रूप में देखते हैं। वह अन्य छात्रों के साथ बेहद लोकप्रिय है। स्कूल में कोई भी लड़की हो तो गाइस ये वीडियो ऐसे करते होते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। प्यार और बास्केटबॉल, लव एंड बास्केटबॉल, एक 2000 अमेरिकी रोमांटिक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसे जीना प्रिस बाइटवुड द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। उनकी फीचर फिल्म निर्देशन में पहली फिल्म का निर्माण स्पाइक ली और सैम किट द्वारा किया गया है, और इनमें सना लाथन और उमर एप्स है। यह क्विंसी मिकलन और मोनिका राइट्स की कहानी बताती है जो लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में दो पड़ोसी अतर्थ एक दूसरे के लिए गिरने से पहले अपने संबंधित बास्केटबॉल कैरियर का पीछा कर रहे हैं। प्यार और बास्केटबॉल, निर्देशक जीना प्रिस व्हाइटवुड द्वारा लिखित, जीना प्रिस व्हाइटवुड द्वारा निर्मित, स्पाइक ली, सेम कित्तो, अभिनीत उमर एप्स, सना लाथीन, एल्फ्रेड वुडावर्ड, डेनिस हेसबर्ट, छायांकन रेनाल्डो विला लोबोस द्वारा संपादित टेरिलिन ए, संगीत दिया है टेरेस ब्लैचर्ड, प्रोडक्शन कंपनी 40 एकड़ और एक खच्चर द्वारा वितरित, न्यू लाइट सिनेमा, रिलीज की तारीख 21 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट एस 14 से 20 मिलियन, बॉक्स ऑफिस एस
27.7 मिलियन। लव एंड बास्केटबॉल को संयुक्त राज्य अमेरिका में 21 अप्रैल 2000 को रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें प्रदर्शनों प्रिंस वाइटवुड के निर्देशन और पटकथा और फिल्म के भावनात्मक वजनों पर निर्देशित प्रशंसा के साथ, फिर भी इसने एस 14 से 20 मिलियन के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में एस 27.7 मिलियन की कमाई की। इन वर्षों में फिल्म ने एक संप्रदित निम्नलिखित विकसित किया, लोकप्रिय संस्कृति में अपनी जगह को मजबूत किया और खुद को एक पंथ क्लासिक रूप के रूप में स्थापित किया। मोनिका राइट्स और क्वानिस मिकल बचपन से ही पेशेवर बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते थे। हालांकि एक लकड़ी के रूप में मोनिका को खुद को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि एक लड़के के रूप में कुशी की प्रकृति स्टार क्षमता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। चूंकि दोनों पेशेवर रूप से खेलने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं से भी निपटना होगा। दोनों 1981 में बचपन के दोस्त बन गए, जबकि मोनिका का परिवार अल्टाला में लॉस एंजेल्स चला गया। क्विसी के बगल में के घर में रहने लगा। क्विसी के लिए पिता जेके लॉस एंजेल्स पिकर के लिए स्टार शूट गार्ड है। बास्केटबॉल के प्यार को साझा करते हुए क्विसी और मोनिका तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। क्विस हैरान है कि एक लड़की कभी भी बास्केटबॉल से उतना प्यार कर सकती है जितना उसने किया था, और वह और भी अधिक चौंक गया जब मोनिका ने उसे एक के बाद एक अपने पहले खेल के दौरान हराया। वह गुस्से में उसे खेल बिंदु के दौरान नीचे गिरा देता है और गलती से उसका चेहरा काट देते हैं। उसकी माँ हंसने पड़ती है और जल्द ही क्विसी और मोनिका ने समझौता कर लिया। मोनिका किसी अन्य व्यक्ति में क्विसी की कल्पना से अधिक कठिन साबित होती है और उसे अपनी प्रेमिका बनाने के लिए कहते हुए उसके करीब आती है। मोनिका स्वीकार करती है और वे अपना पहला चुंबन साझा करते हैं, लेकिन यह बहुत समय पहले नहीं है जब वे एक दूसरे का अपमान करते हैं और घास पर लड़ रहे हैं। मोनिका स्पष्ट रूप से जीत रही है। कहानी की दूसरी तिमाही 1988 में शुरू होती है, जब मोनिका और क्विसी दोनों ग्रेसा हाई स्कूल के सम्मिलित नेता है। पुरुष और महिलाओं की टीम में स्टार ने क्विसी का स्पष्ट नोटिस लिया, जिन्हें कई देश में शीर्ष संभावनाओं में से एक के रूप में देखते हैं। वह अन्य छात्रों के साथ बेहद लोकप्रिय है। स्कूल में कोई भी लड़की हो तो गाइस ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। प्यार और बास्केटबॉल, लव एंड बास्केटबॉल, एक 2000 अमेरिकी रोमांटिक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है, जिसे जीना प्रिंस वाइटवुड द्वारा लिखित और निर्देशित
किया गया है। उनकी फीचर फिल्म निर्देशन में पहली फिल्म का निर्माण स्पाइक ली और सैम किट द्वारा किया गया है और इनमें सना लाथन और उमर एप्स है। यह क्विंसी मिकलन और मोनिका राइट्स की कहानी बताती है जो लॉस एंजेल्स कैलिफोर्निया में दो पड़ोसी अतर्क एक दूसरे के लिए गिरने से पहले अपने संबंधित बास्केटबॉल कैरियर का पीछा कर रहे हैं। प्यार और बास्केटबॉल निर्देशक जीना प्रेस व्हाइटवुड द्वारा लिखित जीना प्रेस व्हाइटवुड द्वारा निर्मित स्पाइक ली सेम कित्तो अभिनीत उमर एप्स सना लाथिन एल्फ्रेड वुडावर्ड डेनिस हेसबर्ट छायांकन रेनाल्डो विला लोबोस द्वारा संपादित टेरिलिन ए संगीत दिया है टेरेस ब्लैचर्ड प्रोडक्शन कंपनी 40 एकड़ और एक खच्चर द्वारा वितरित न्यू लाइट सिनेमा रिलीज की तारीख 21 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट एस 14 से 20 मिलियन बॉक्स ऑफिस एस 27.7 मिलियन लव एंड बास्केटबॉल को संयुक्त राज्य अमेरिका में 21 अप्रैल 2000 को रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें प्रदर्शनों प्रिंस व्हाइटवुड के निर्देशन और पटकथा और फिल्म के भावनात्मक वजनों पर निर्देशित प्रशंसा के साथ फिर भी इसने एस 14 से 20 मिलियन के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में एस 27.7 मिलियन की कमाई की। इन वर्षों में फिल्म ने एक संप्रदित निम्नलिखित विकसित किया लोकप्रिय संस्कृति में अपनी जगह को मजबूत किया और खुद को एक पंथ क्लासिक रूप के रूप में स्थापित किया। मोनिका राइट्स और क्विंस मिकल बचपन से ही पेशेवर बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते थे। हालांकि एक लकड़ी के रूप में मोनिका को खुद को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि एक लड़के के रूप में कुर्सी की प्रकृति स्टार क्षमता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। चूँकि दोनों पेशेवर रूप से खेलने के अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए संघर्ष करते हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं से भी निपटना होगा। दोनों 1981 में बचपन के दोस्त बन गए, जबकि मोनिका का परिवार अल्टाला में लॉस एंजेल्स चला गया। क्विंसी के बगल में के घर में रहने लगा। क्विंसी के लिए पिता जेके लॉस एंजेल्स पिकर के लिए स्टार शूट गार्ड है। बास्केटबॉल के प्यार को साझा करते हुए क्विंसी और मोनिका तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। क्विंस हैरान है कि एक लड़की का बीबी बास्केटबॉल से उतना प्यार कर सकती है जितना उसने किया था, और वह और भी अधिक चौंक गया जब मोनिका ने उसे एक के बाद एक अपने पहले खेल के दौरान हराया। वह गुस्से में उसे खेल बिंदु के दौरान
नीचे गिरा देता है और गलती से उसका चेहरा काट देते हैं। उसकी माँ हस्तक्षेप करती है और जल्द ही कुंशी और मोनिका ने समझौता कर लिया। मोनिका किसी अन्य व्यक्ति में कुंशी की कल्पना से अधिक कठिन साबित होती है और उसे अपनी प्रेमिका बनाने के लिए कहते हुए उसके करीब आती है। मोनिका स्वीकार करती है और वे अपना पहला चुंबन साझा करते हैं, लेकिन यह बहुत समय पहले नहीं है जब वे एक दूसरे का अपमान करते हैं और घास पर लड़ रहे हैं। मोनिका स्पष्ट रूप से जीत रही है। कहानी की दूसरी तिमाही 1988 में शुरू होती है जब मोनिका और कुंशी दोनों ग्रेसा हाई स्कूल के सम्मानित नेता हैं। पुरुष और महिलाओं की टीमें स्टार ने तुम्हें का स्पेशल नोटिस लिया, जिन्हें कई देश में शीर्ष संभावनाओं में से एक के रूप में देखते हैं। वह अन्य छात्रों के साथ बेहद लोकप्रिय है। स्कूल में कोई भी लड़की हो तो गाइस ये वीडियो ऐसे मत होते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। प्यार और बास्केटबॉल, लव एंड बास्केटबॉल, एक 2000 अमेरिकी रोमांटिक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसे जीना प्रेस बाइटवुड द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। उनकी फीचर फिल्म निर्देशन में पहली फिल्म का निर्माण स्पाइक ली और सैम किट द्वारा किया गया है और इनमें सना लाथन और उमर एप्स है। यह क्विंसी मिकलन और मोनिका राइट्स की कहानी बताती है जो लॉस एंजेल्स कैलिफोर्निया में दो पड़ोसी अतर्थ एक दूसरे के लिए गिरने से पहले अपने संबंधित बास्केटबॉल कैरियर का पीछा कर रहे हैं। प्यार और बास्केटबॉल, निर्देशक जीना प्रेस व्हाइटवुड द्वारा लिखित, जीना प्रेस व्हाइटवुड द्वारा निर्मित स्पाइक ली, सेम कित्तो, अभिनीत उमर एप्स, सना लाथिन, एल्फ्रेड वुडावर्ड, डेनिस हेस्बर्ट, छायांकन रेनाल्डो विला लोबोस द्वारा संपादित टेरिलिन ए, संगीत दिया है टेरेस ब्लैचर्ड, प्रोडक्शन कंपनी 40 एकड़ और एक खच्चर द्वारा वितरित न्यू लाइट सिनेमा, रिलीज की तारीख 21 अप्रैल 2000, संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट एस 14 से 20 मिलियन, बॉक्स ऑफिस एस 27.7 मिलियन। लव एंड बास्केटबॉल को संयुक्त राज्य अमेरिका में 21 अप्रैल 2000 को रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें प्रदर्शनों प्रिंस व्हाइटवुड के निर्देशन और पटकथा और फिल्म के भावनात्मक वजनों पर निर्देशित प्रशंसा के साथ फिर भी इसने एस 14 से 20 मिलियन के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में एस 27.7 मिलियन की कमाई की। इन वर्षों में फिल्म ने एक संप्रदित निम्नलिखित विकसित
किया, लोकप्रिय संस्कृति में अपनी जगह को मजबूत किया और खुद को एक पंथ क्लासिक रूप के रूप में स्थापित किया। मोनिका राइट्स और क्विनिस मिकल बचपन से ही पेशेवर बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते थे। हालांकि एक लकड़ी के रूप में मोनिका को खुद को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि एक लड़के के रूप में कुर्सी की प्रकृति स्टार क्षमता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। चूँकि दोनों पेशेवर रूप से खेलने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं से भी निपटना होगा। दोनों 1981 में बचपन के दोस्त बन गए, जबकि मोनिका का परिवार अल्टाला में लॉस एंजिल चला गया। क्विसी के बगल में के घर में रहने लगा। क्विसी के लिए पिता जेके लॉस एंजिल पिकर के लिए स्टार शूट गार्ड है। बास्केटबॉल के प्यार को साझा करते हुए क्विसी और मोनिका तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। क्विस हैरान है कि एक लड़की कभी भी बास्केटबॉल से उतना प्यार कर सकती है जितना उसने किया था, और वह और भी अधिक चौंक गया जब मोनिका ने उसे एक के बाद एक अपने पहले खेल के दौरान हराया। वह गुस्से में उसे खेल बिंदु के दौरान नीचे गिरा देता है और गलती से उसका चेहरा काट देते हैं। उसकी माँ हस्तक्षेप करती है और जल्द ही क्विसी और मोनिका ने समझौता कर लिया। मोनिका किसी अन्य व्यक्ति में क्विसी की कल्पना से अधिक कठिन साबित होती है और उसे अपनी प्रेमिका बनाने के लिए कहते हुए उसके करीब आती है। मोनिका स्वीकार करती है और वे अपना पहला चुम्बन साझा करते हैं, लेकिन यह बहुत समय पहले नहीं है जब वे एक दूसरे का अपमान करते हैं और घास पर लड़ रहे हैं। मोनिका स्पष्ट रूप से जीत रही है। कहानी की दूसरी तिमाही 1988 में शुरू होती है, जब मोनिका और क्विसी दोनों ग्रेसा हाई स्कूल के सम्मिलित नेता है। पुरुष और महिलाओं की टीम में स्टार ने क्विसी का स्पष्ट नोटिस लिया, जिन्हें कई देश में शीर्ष संभावनाओं में से एक के रूप में देखते हैं। वह अन्य छात्रों के साथ बेहद लोकप्रिय है। स्कूल में कोई भी लड़की हो तो गाइस, यह वीडियो ऐसी होते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। प्यार और बास्केटबॉल, लव एंड बास्केटबॉल, एक 2000 अमेरिकी रोमांटिक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है, जिसे जीना प्रेस बाइटवुड द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। उनकी फीचर फिल्म निर्देशन में पहली फिल्म का निर्माण स्पाइक ली और सैम किट द्वारा किया गया है, और इनमें सना लाथन और उमर एप्स है। यह क्विंसी मिकलन और मोनिका राइट्स की कहानी बताती है, जो लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में दो पड़ोसी अतर्थ एक दूसरे के लिए गिरने से पहले अपने संबंधित बास्केटबॉल कैरियर का पीछा कर रहे हैं।
प्यार और बास्केटबॉल, निर्देशक जीना प्रेस व्हाइटवुड द्वारा लिखित जीना प्रेस व्हाइटवुड द्वारा निर्मित स्पाइक ली, सेम कित्तो, अभिनीत उमर एप्स, सना लाथीन, एल्फ्रेड वुडावर्ड, डेनिस हेस्बर्ट, छायांकन रेनाल्डो विला लोबोस द्वारा संपादित टेरिलिन ए, संगीत दिया है टेरेस ब्लैचर्ड, प्रोडक्शन कंपनी 40 एकड़ और एक खच्चर द्वारा वितरित न्यू लाइट सिनेमा, रिलीज की तारीख 21 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट एस 14 से 20 मिलियन, बॉक्स ऑफिस एस 27.7 मिलियन। लव एंड बास्केटबॉल को संयुक्त राज्य अमेरिका में 21 अप्रैल 2000 को रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें प्रदर्शनों प्रिंस व्हाइटवुड के निर्देशन और पटकथा और फिल्म के भावनात्मक वजनों पर निर्देशित प्रशंसा के साथ, फिर भी इसने एस 14 से 20 मिलियन के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में एस 27.7 मिलियन की कमाई की। इन वर्षों में फिल्म ने एक संप्रदित निम्नलिखित विकसित किया, लोकप्रिय संस्कृति में अपनी जगह को मजबूत किया और खुद को एक पंथ क्लासिक रूप के रूप में स्थापित किया। मोनिका राइट्स और क्विनिस मिकल बचपन से ही पेशेवर बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते थे। हालांकि एक लकड़ी के रूप में मोनिका को खुद को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि एक लड़के के रूप में कुसी की प्रकृति स्टार क्षमता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। चूंकि दोनों पेशेवर रूप से खेलने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं से भी निपटना होगा। दोनों 1981 में बचपन के दोस्त बन गए, जबकि मोनिका का परिवार अल्टाला में लॉस एंजिल्स चला गया। क्विसी के बगल में के घर में रहने लगा। क्विसी के लिए पिता जेके लॉस एंजिल्स पिकर के लिए स्टार शूट गार्ड है। बास्केटबॉल के प्यार को साझा करते हुए क्विसी और मोनिका तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। क्विस हैरान है कि एक लड़की का बीबी बास्केटबॉल से उतना प्यार कर सकती है जितना उसने किया था, और वह और भी अधिक चौंक गया जब मोनिका ने उसे एक के बाद एक अपने पहले खेल के दौरान हराया। वह गुस्से में उसे खेल बिंदु के दौरान नीचे गिरा देता है और गलती से उसका चेहरा काट देते हैं। उसकी माँ हस्से पड़ती है और जल्द ही क्विसी और मोनिका ने समझौता कर लिया। मोनिका किसी अन्य व्यक्ति में क्विसी की कल्पना से अधिक कठिन साबित होती है और उसे अपनी प्रेमिका बनाने के लिए कहते हुए उसके करीब आती है। मोनिका स्वीकार करती है और वे अपना पहला चुंबन साझा करते हैं, लेकिन यह बहुत समय पहले नहीं है जब वे एक दूसरे का अपमान करते हैं और घास पर लड़ रहे हैं। मोनिका स्पष्ट रूप से जीत रही है। कहानी की दूसरी तिमाही 1988 में शुरू होती है,
जब मोनिका और क्वेंसी दोनों ग्रेसा हाई स्कूल के संबंधित नेता है। पुरुष और महिलाओं की टीमें स्टार ने क्वेंसी का स्पेशल नोटिस लिया, जिन्हें कई देश में शीर्ष संभावनाओं में से एक के रूप में देखते हैं। वह अन्य छात्रों के साथ बेहद लोकप्रिय है। स्कूल में कोई भी लड़की हो तो गाइस ये वीडियो ऐसे मत होते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। प्यार और बास्केटबॉल, लव एंड बास्केटबॉल, एक 2000 अमेरिकी रोमांटिक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है, जिसे जीना प्रेस बाइटवुड द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। उनकी फीचर फिल्म निर्देशन में पहली फिल्म का निर्माण स्पाइक ली और सैम किट द्वारा किया गया है, और इनमें सना लाथन और उमर एप्स है। यह क्विंसी मिकलन और मोनिका राइट्स की कहानी बताती है, जो लॉस एंजेल्स कैलिफोर्निया में दो पड़ोसी अतिथि एक दूसरे के लिए गिरने से पहले अपने संबंधित बास्केटबॉल कैरियर का पीछा कर रहे हैं। प्यार और बास्केटबॉल, निर्देशक जीना प्रेस व्हाइटवुड द्वारा लिखित, जीना प्रेस व्हाइटवुड द्वारा निर्मित स्पाइक ली, सेम कित्तो, अभिनीत उमर एप्स, सना लाथिन, एल्फ्रेड वुडावर्ड, डेनिस हेस्बर्ट, छायांकन रेनाल्डो विला लोबोस द्वारा संपादित टेरी लीन ए, संगीत दिया है टेरेस ब्लैचर्ड, प्रोडक्शन कंपनी 40 एकड़ और एक खच्चर द्वारा वितरित, न्यू लाइट सिनेमा, रिलीज की तारीख 21 अप्रैल 2000, संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट एस 14 से 20 मिलियन, बॉक्स ऑफिस एस 27.7 मिलियन। लव एंड बास्केटबॉल को संयुक्त राज्य अमेरिका में 21 अप्रैल 2000 को रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें प्रदर्शनों प्रिंस व्हाइटवुड के निर्देशन और पटकथा और फिल्म के भावनात्मक वजनों पर निर्देशित प्रशंसा के साथ, फिर भी इसने एस 14 से 20 मिलियन के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में एस 27.7 मिलियन की कमाई की। इन वर्षों में फिल्म ने एक संप्रदित निम्नलिखित विकसित किया, लोकप्रिय संस्कृति में अपनी जगह को मजबूत किया और खुद को एक पंथ क्लासिक रूप के रूप में स्थापित किया। मोनिका राइट्स और क्विंस मिकल बचपन से ही पेशेवर बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते थे। हालांकि एक लकड़ी के रूप में मोनिका को खुद को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि एक लड़के के रूप में कुर्सी की प्रकृति स्टार क्षमता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। चूंकि दोनों पेशेवर रूप से खेलने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं, इसलिए उन्हें
एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं से भी निपटना होगा। दोनों 1981 में बचपन के दोस्त बन गए, जबकि मोनिका का परिवार अल्टाला में लॉस एंजिल चला गया। कृषि के बगल में के घर में रहने लगा। कृषि के लिए पिता जे के लॉस एंजिल पिकर के लिए स्टार शूट गार्ड है। बास्केटबॉल के प्यार को साझा करते हुए कृषि और मोनिका तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। क्रिस हैरान है कि एक लड़की का बीबी बास्केटबॉल से उतना प्यार कर सकती है जितना उसने किया था, और वह और भी अधिक चौंक गया जब मोनिका ने उसे एक के बाद एक अपने पहले खेल के दौरान हराया। वह गुस्से में उसे खेल बिंदु के दौरान नीचे गिरा देता है और गलती से उसका चेहरा काट देते हैं। उसकी माँ हस्से करती है और जल्द ही कृषि और मोनिका ने समझौता कर लिया। मोनिका किसी अन्य व्यक्ति में कृषि की कल्पना से अधिक कठिन साबित होती है और उसे अपनी प्रेमिका बनाने के लिए कहते हुए उसके करीब आती है। मोनिका स्वीकार करती है और वे अपना पहला चुंबन साझा करते हैं, लेकिन यह बहुत समय पहले नहीं है जब वे एक दूसरे का अपमान करते हैं और घास पर लड़ रहे हैं। मोनिका स्पष्ट रूप से जीत रही है। कहानी की दूसरी तिमाही 1988 में शुरू होती है, जब मोनिका और क्रेसे दोनों क्रेसा हाई स्कूल के संबंधित नेता है। पुरुष और महिलाओं की टीमें स्टार नेतृत्व में से का स्पेशल नोटिस लिया, जिन्हें कई देश में शीर्ष संभावनाओं में से एक के रूप में देखते हैं। वह अन्य छात्रों के साथ बेहद लोकप्रिय है। स्कूल में कोई भी लड़की हो तो गाइस ये वीडियो ऐसे होते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। प्यार और बास्केटबॉल, लव एंड बास्केटबॉल, एक 2000 अमेरिकी रोमांटिक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसे जीना प्रिस बाइटवुड द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। उनकी फीचर फिल्म निर्देशन में पहली फिल्म का निर्माण स्पाइक ली और सैम किट द्वारा किया गया है, और इनमें सना लाथन और उमर एप्स है। यह क्विंसी मिकलन और मोनिका राइट्स की कहानी बताती है, जो लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में दो पड़ोसी अतिथि एक दूसरे के लिए गिरने से पहले अपने संबंधित बास्केटबॉल कैरियर का पीछा कर रहे हैं। प्यार और बास्केटबॉल, निर्देशक जीना प्रिस व्हाइटवुड द्वारा लिखित, जीना प्रिस व्हाइटवुड द्वारा निर्मित स्पाइक ली, सेम कित्तो, अभिनीत उमर एप्स, सना लाथिन, एल्फ्रेड वुडावर्ड, डेनिस हेस्बर्ट, छायांकन रेनाल्डो विला लोबोस द्वारा संपादित टेरिलिन ए, संगीत दिया है टेरेस ब्लैचर्ड, प्रोडक्शन कंपनी 40 एकड़ और एक खच्चर द्वारा वितरित न्यू लाइट सिनेमा। रिलीज की तारीख 21 अप्रैल
2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट एस 14 से 20 मिलियन। बॉक्स ऑफिस एस 27.7 मिलियन। लव एंड बास्केटबॉल को संयुक्त राज्य अमेरिका में 21 अप्रैल 2000 को रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें प्रदर्शनों प्रिंस वाइटवुड के निर्देशन और पटकथा और फिल्म के भावनात्मक वजनों पर निर्देशित प्रशंसा के साथ, फिर भी इसने एस 14 से 20 मिलियन के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में एस 27.7 मिलियन की कमाई की। इन वर्षों में फिल्म ने एक संप्रदित निम्नलिखित विकसित किया, लोकप्रिय संस्कृति में अपनी जगह को मजबूत किया और खुद को एक पंथ क्लासिक रूप के रूप में स्थापित किया। मोनिका राइट्स और क्वानिस मिकल बचपन से ही पेशेवर बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते थे। हालांकि एक लकड़ी के रूप में मोनिका को खुद को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि एक लड़के के रूप में कुशी की प्रकृति स्टार क्षमता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। चूंकि दोनों पेशेवर रूप से खेलने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं से भी निपटना होगा। दोनों 1981 में बचपन के दोस्त बन गए, जबकि मोनिका का परिवार अल्टाला में लॉस एंजिल्स चला गया। क्विसी के बगल में के घर में रहने लगा। क्विसी के लिए पिता जेके लॉस एंजिल्स पिकर के लिए स्टार शूट गार्ड है। बास्केटबॉल के प्यार को साझा करते हुए क्विसी और मोनिका तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। क्विस हैरान है कि एक लड़की का बीबी बास्केटबॉल से उतना प्यार कर सकती है जितना उसने किया था, और वह और भी अधिक चौंक गया जब मोनिका ने उसे एक के बाद एक अपने पहले खेल के दौरान हराया। वह गुस्से में उसे खेल बिंदु के दौरान नीचे गिरा देता है और गलती से उसका चेहरा काट देते हैं। उसकी माँ हंसी करती है और जल्द ही क्विसी और मोनिका ने समझौता कर लिया। मोनिका किसी अन्य व्यक्ति में क्विसी की कल्पना से अधिक कठिन साबित होती है और उसे अपनी प्रेमिका बनाने के लिए कहते हुए उसके करीब आती है। मोनिका स्वीकार करती है और वे अपना पहला चुंबन साझा करते हैं, लेकिन यह बहुत समय पहले नहीं है जब वे एक दूसरे का अपमान करते हैं और घास पर लड़ रहे हैं। मोनिका स्पष्ट रूप से जीत रही है। कहानी की दूसरी तिमाही 1988 में शुरू होती है, जब मोनिका और क्विसी दोनों ग्रेसा हाई स्कूल के सम्मिलित नेता है। पुरुष और महिलाओं की टीम में स्टार नेत में से का स्पेशल नोटिस लिया, जिन्हें कई देश में शीर्ष संभावनाओं में से एक के रूप में देखते हैं। वह अन्य छात्रों के साथ बेहद लोकप्रिय है। स्कूल में कोई भी लड़की हो तो गाइस ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, वेलकम टू माई YouTube चैनल। हम अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। प्यार और बास्केटबॉल, लव एंड बास्केटबॉल, एक 2000 अमेरिकी
रोमांटिक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसे जीना प्रेस बाइटवुड द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। उनकी फीचर फिल्म निर्देशन में पहली फिल्म का निर्माण स्पाइक ली और सैम किट द्वारा किया गया है और इनमें सना लाथन और उमर एप्स है। यह क्विंसी मिकलन और मोनिका राइट्स की कहानी बताती है जो लॉस एंजेल्स कैलिफोर्निया में दो पड़ोसी अतत एक दूसरे के लिए गिरने से पहले अपने संबंधित बास्केटबॉल कैरियर का पीछा कर रहे हैं। प्यार और बास्केटबॉल निर्देशक जीना प्रेस व्हाइटवुड द्वारा लिखित जीना प्रेस व्हाइटवुड द्वारा निर्मित स्पाइक ली सेम कित्तो अभिनीत उमर एप्स सना लाथिन एल्फ्रेड वुडावर्ड डेनिस हेस्बर्ट छायांकन रेनाल्डो विला लोबोस द्वारा संपादित टेरिलिन ए संगीत दिया है टेरेस ब्लैचर्ड प्रोडक्शन कंपनी 40 एकड़ और एक खच्चर द्वारा वितरित न्यू लाइट सिनेमा रिलीज की तारीख 21 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट एस 14 से 20 मिलियन बॉक्स ऑफिस एस 27.7 मिलियन। लव एंड बास्केटबॉल को संयुक्त राज्य अमेरिका में 21 अप्रैल 2000 को रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें प्रदर्शनों प्रिंस व्हाइटवुड के निर्देशन और पटकथा और फिल्म के भावनात्मक वजनों पर निर्देशित प्रशंसा के साथ फिर भी इसने एस 14 से 20 मिलियन के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में एस 27.7 मिलियन की कमाई की। इन वर्षों में फिल्म ने एक संप्रदित निम्नलिखित विकसित किया लोकप्रिय संस्कृति में अपनी जगह को मजबूत किया और खुद को एक पंथ क्लासिक रूप के रूप में स्थापित किया। मोनिका राइट्स और क्विंस मिकल बचपन से ही पेशेवर बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते थे। हालांकि एक लकड़ी के रूप में मोनिका को खुद को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है जबकि एक लड़के के रूप में कुर्सी की प्रकृति स्टार क्षमता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। चूंकि दोनों पेशेवर रूप से खेलने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं इसलिए उन्हें एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं से भी निपटना होगा। दोनों 1981 में बचपन के दोस्त बन गए जबकि मोनिका का परिवार अल्टाला में लॉस एंजेल्स चला गया। क्विसी के बगल में के घर में रहने लगा। क्विसी के लिए पिता जे के लॉस एंजेल्स पिकर के लिए स्टार शूट गार्ड है। बास्केटबॉल के प्यार को साझा करते हुए क्विसी और मोनिका तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। क्विस हैरान है कि एक लड़की का बीबी बास्केटबॉल से उतना प्यार कर सकती है जितना उसने किया था और वह
और भी अधिक चौंक गया जब मोनिका ने उसे एक के बाद एक अपने पहले खेल के दौरान हराया। वह गुस्से में उसे खेल बिंदु के दौरान नीचे गिरा देता है और गलती से उसका चेहरा काट देते हैं। उसकी माँ हंसी करती है और जल्द ही कुंशी और मोनिका ने समझौता कर लिया। मोनिका किसी अन्य व्यक्ति में कुंशी की कल्पना से अधिक कठिन साबित होती है और उसे अपनी प्रेमिका बनाने के लिए कहते हुए उसके करीब आती है। मोनिका स्वीकार करती है और वे अपना पहला चुंबन साझा करते हैं, लेकिन यह बहुत समय पहले नहीं है जब वे एक दूसरे का अपमान करते हैं और घास पर लड़ रहे हैं। मोनिका स्पष्ट रूप से जीत रही है। कहानी की दूसरी तिमाही 1988 में शुरू होती है जब मोनिका और क्वेंसी दोनों ग्रेसा हाई स्कूल के सम्मिलित नेता हैं। पुरुष और महिलाओं की टीमें स्टार ने क्वेंसी का स्पेशल नोटिस लिया, जिन्हें कई देश में शीर्ष संभावनाओं में से एक के रूप में देखते हैं। वह अन्य छात्रों के साथ बेहद लोकप्रिय है। स्कूल में कोई भी लड़की हो तो गाइस ये वीडियो इस वक्त तो है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।